हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आए। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। तो पूरी वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 लेके आया, और 17 दोस्तों काफी प्रैक्टिकल टाइप का सम है, राइट। तो यहां पर दिया है दोस्तों कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, ठीक है, इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब टोटल प्लांटेड ट्रीज बाय स्टूडेंट, ये फाइंड करना है, मतलब सम फाइंड करना है, ठीक है। और यहां पर तो कंडीशन क्या है कि जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 है तो एक ही पेड़ लगाएंगे, ठीक है, क्लास 2 है तो दो ही पेड़ लगाएंगे, और हर एक क्लास के अंदर क्या है दोस्तों, तीन तीन सेक्शन है। कितने क्लास है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक है, क्लियर है। तो यहां पर लिखने जा रहा हूं दोस्तों इस तरह से कि ट्रीज प्लांटेड बाय द सेक्शन ऑफ क्लास 1। क्लास 1 क्या है दोस्तों, टोटल तीन सेक्शन है, तीन लिख दिया यहां पर, और कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, एक पेड़ लगाएंगे, तो यहां पर 1 लिख देता हूं मैं, तो 3 1 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ये लिखोगे आप, ट्रीज प्लांटेड बाय द सेक्शन ऑफ क्लास 2 इक्वल टू 3 × 2, 3 2 से कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है। तो इसी तरह सेम टू सेम दोस्तों कॉपी करना है आपको, देखिए लिख देना है यहां पर, और यहां पर लिखूंगा मैं क्लास 3, ठीक है, तो 3 × 3 = 9, और ये कहां तक होगा दोस्तों, 12 स्टैंडर्ड तक के होगा, ठीक है। तो यहां पर डॉट डॉट करके मैं यहां लिख देता हूं 3 × ठीक है, मल्टीप्लाई यहां पर 1 2 3 है, मैं बीच में गैप छोड़ देता हूं, यहां पर 12 लिख देता हूं, तो 12 क्या होगा दोस्तों, 3 12 या कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। ये छोटा सा देखिए जो लिखा हुआ है, रफ कर देता हूं मैं इस तरह। तो यहां पर सब कुछ मिल गया मुझे, क्या मिल गया वो यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर मिल गया दोस्तों कि a इक्वल टू क्या होगा, 3, और यहां पर d इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 6 − 3 = यहां पर 3 मिल गया, और यहां पर 36, ये 36 क्या है, 36 दोस्तों आपका यहां पर an आ गया, an मतलब लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म 36 दिया है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है दोस्तों, आपको फाइंड करना है sn, फाइंड करना है, तो sn कैसे मिलेगा, उसके लिए दोस्तों आपको और एक हिंट दिया है यहां पर, टोटल क्लास कितने हैं, टोटल क्लास आपका 12 दिया है, मतलब यहां पर एस एन की जगह आपको फाइंड करना है S12 फाइंड करना है, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं दोस्तों, सम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहां लिखेंगे दोस्तों फॉर्मूला, यहां पर एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, यहां पर दोस्तों 2a प्लस, यहां पर n माइनस 1, यहां पर d, अब यहां पर n की जगह यहां पर 12 लिखूंगा मैं, 12 अपॉन 2, और यहां पर 2a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आप देखिए यहां पर a का वैल्यू 3 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 3, उसके बाद n की जगह यहां पर 12 लिखूंगा मैं, और d क्या है दोस्तों, 3 है, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहां पर कैंसिल कर लेता हूं मैं, क्या करूंगा दोस्तों, 2 6 12, तो यहां पर 6 मिल गया मुझे, 3 2 6, 12 माइनस 1 कितना होगा, 11 होगा, मल्टीप्लाई 3 करना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 6 11 3 33। अब यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 33 प्लस 6 कितना होगा दोस्तों, 39 होगा, 6 9 54, यहाँ पर 4 5 कैरी में चला गया, 6 3 18, 18 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों, 23 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द ऑल क्लास इज 234, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, और 18 दोस्तों काफी प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, और यहां पर आपको दिया गया है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircle? मतलब दोस्तों यहां पर आपको पता चल गया सेमी सर्कल कुछ बात चल रही है, और दोस्तों यहां पर n दोस्तों क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों 13 consecutive semicircle कहा गया है, तो यहां पर दोस्तों n इक्वल टू 13 होगा। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, क्या फाइंड करना, पता चला नहीं, पता चला ना, आपको बताता हूं। देखिए
यहां पर 13 कॉन्जिक्यूटिव का टोटल लेंथ निकालना है। टोटल लेंथ मतलब क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है कि एन अगर 13 हो तो आपको एस 13 फाइंड करना है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों A1, A2 ये कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए आपको बता दूं दोस्तों, आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला किसका, सेमी सर्कल का। सबसे पहले पेरीमीटर और सेमी सर्कल क्या होता है वो जानने से पहले पेरीमीटर और सर्कल क्या होता है वो लिख लेते हैं हम लोग। पेरीमीटर और सर्कल होता है 2πr होता है। अगर सेमी सर्कल होगा तो इसी फॉर्मूले को हाफ करना होगा, तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया दोस्तों, पाई आर आ गया। पाई आर मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो यहां पर रेडियस क्या है, 0.5 दिया है, तो यहां पर लिख लीजिए पाई मल्टीप्लाई 0.5, मतलब ये हो गया आपका A1। तो A1 आप लिखोगे 0.5 पाई लिखोगे। अब A2 क्या लिखोगे, A2 देखिए यहां पर रेडियस आपको दिया है 1 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखोगे आप 1 पाई, मतलब R आपका 1 है, क्लियर है। आपको D निकालना है तो यहां पर लिखना होगा A2 माइनस A1, मतलब A2 क्या दिया है दोस्तों, यहां पर 1 पाई माइनस A1 क्या दिया हुआ है 0.5 पाई, मतलब आपको मिलेगा यहां पर D 0.5 पाई, आपको D मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये सब कुछ यहां पर लिख लिया मैंने। अब आपको फॉर्मूला लिखना है SN इक्वल टू N अपॉन 2 और यहां पर 2A प्लस यहां पर N माइनस 1 D, यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहां पर N की जगह 13 लिखिए, यहां पर भी N दिया है तो यहां पर 13 अपॉन 2, और दोस्तों यहां पर A क्या होगा, तो A आपको मिला है यहां पर 0.5 पाई है, तो यहां पर 0.5 पाई लिखिए, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रखिए। प्लस N क्या होगा आपका 13 माइनस 1, क्योंकि N आपका 13 है और यहां पर 1 ऑलरेडी है। D क्या होगा आपका, D 0.5 पाई, ये लिख लिया मैंने। अब यहां पर 13 अपॉन 2 मैंने यहां पर लिखा, और यहां पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो आपको मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 पाई, ओके। 13 माइनस 1 कितना होगा, 12 होगा, तो यहां पर 12 लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 0.5 पाई लिखोगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये पाई 1 पाई है तो पाई बन जाएगा, और दोस्तों 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 6 मिलेगा, तो 6 पाई, ओके। अब यहां पर 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 7, तो यहां पर 7 पाई यहां तक हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों आगे करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय क्या था यहां पर, 7 पाई, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 7 पाई। अब 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और यहां पर पाई की वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर देखिए 22 अपॉन 7, तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे हम लोग पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। अब कैंसिल करूंगा यहां पर, ध्यान दीजिए यहां पर 2 11 जा 22, 7 7 कैंसिल, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 143 होगा। अब ये कैसे कर पाया, आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं। देखिए जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 13 लिख दीजिए, एक नंबर छोड़ के फिर से वो नंबर लिख दीजिए, तो 341 मतलब 143 हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, से हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।